प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में नगर के विभिन्न चौक चौराहों वार्डों सड़कों को फॉगिंग मशीन और स्प्रिंकलर मशीन से कोरोना नाशक सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान विधायक बिसेन स्वयं कीटनाशकों का छिड़काव करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री बिसेन खुद वाहन लेकर नगर को सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन नगर के एक हिस्से को सैनिटाइज किया जा रहा है। आगे भी शहर के शेष बचे हिस्से को इसी प्रकार सैनिटाइज करने की प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी। कोरोना से युद्ध स्तर पर लड़ने का एक अभियान हमने बालाघाट में शुरू किया है। अपने खेतों में काम करने वाले हमारे पावर स्प्रेयर जो हमारे बगीचों के आम के बगीचों के बागानों में सिंचाई का काम करते हैं, दवाएं सींचने का काम करते हैं, उनको हमने कल से बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में उतारा है। और जो कोरोना के वायरस हैं उनसे मुक्त करने के लिए रासायनिक दवाइयों का हम उपयोग कर रहे हैं जो हमारे साइंटिस्टों ने हमको सुझाया है। और चूँकि पावर स्प्रेयर है दोनों तरफ 15-15 फीट की दूरी तक इसके फुहारे जाते हैं, तो आज हमने बालाघाट नगर के लगभग 4 वार्डों में इसको लगभग 100% काम किया। जो नालियाँ छोटी या छोटी गलियों में हम हैंड स्प्रेयर जो है उनके द्वारा दवा सिंचवा रहे हैं। और हमने सोचा कि जब तक बालाघाट के 33 वार्डों का पूरा हम एक तौर से छिड़काव पूरा नहीं करते तब तक सतत हमारा अभियान चलेगा, क्योंकि दोपहर के समय में टेम्परेचर अधिक रहता है तब दवा सिंचना उचित नहीं है, इसलिए शाम को 4 बजे चालू करते हैं और रात तक ये क्रम चलता है। भाव जहाँ एक और लोग भयभीत हैं, डरे हुए लोग घर में बंद हैं, वहीं आप मोर्चा को संभाले हुए क्या आपको अपनी? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को हर संकट के दौर में अपने जनता के साथ रहना चाहिए। आज हमारा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे हेल्थ विभाग के सारे कर्मचारी, पैरामेडिकल के हमारे कर्मचारी जब कोरोना की लड़ाई में अपनी जान माल की परवाह किए बगैर लगे हुए हैं, तो हमारा भी धर्म है कि हम ऐसे समय में जहाँ जनता के मन में किसी तरह का भय ना हो, कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे डरने की आवश्यकता है, सिर्फ हमको दूरी बनाए रखना है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी रखे, इससे अधिक रखता है तो और अच्छी बात है। और दिन भर में 4-5 बार अपने हाथों को साबुन से धोए, जिन कपड़ों का दिन में उपयोग करता है उसको गर्म पानी से धो के अलग कर दे, भले उनको प्रेस न करे लेकिन साफ सुथरे कपड़े वस्त्रों को वो पहने, तो कहीं ऐसा नहीं कि ये कोरोना सीधे हमारे पर कोई हमला करता है। एक संक्रमित व्यक्ति के हमको संपर्क में नहीं आना चाहिए, या उसने जिस चीज़ को टच किया है वो हमारे टच में नहीं आना चाहिए। और इसीलिए बड़े पैमाने पर जो मजदूरी करने हमारे बालाघाट से दूसरे क्षेत्रों में लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं बालाघाट के संपर्क में आ सकते हैं, और इसलिए इसको हमने युद्ध स्तर पर अभियान को लिया है। इसमें जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद को भी हमने काम से लगाया, और चूँकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ, लगातार यहाँ की जनता मुझे पूरा विश्वास देती है, मुझे जिताती है, तो मेरी भी जवाबदारी है कि इस मुसीबत के समय उनके साथ खड़ा हूँ।